इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर आपका उम्र या आपके घर के फैमिली का किसी भी सदस्य का उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो बिहार सरकार के तरफ से योजना चलाया जाता है जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या उसका वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, कितने महीने में आपका जो कि पैसा आना शुरू हो जाएगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और सरकार द्वारा कितना जो कि आपको पैसा दिया जाता है कितना उम्र हो जाने तक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं और यहां पे आपको डायरेक्ट लिख लेना SSPIMS इस प्रकार से। उसके बाद सर्च बटन इस पर क्लिक करेगा, यहां पे लिखे SSPIMS मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ऑनलाइन 2023, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इसमें सारा चीज आपको बताया गया है कि आपको जो कि पैसा 400 रुपया प्रति महीने के हिसाब से आपको दिया जाता है जब तक आपका उम्र 60 से 80 साल के नीचे होता है। अगर 80 साल से ज्यादा होता है तब आपको 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से आपको दिया जाता है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र, सहमति पत्र 1 और 2 और पासबुक, बैंक खाता, फोटो और यहाँ पे हस्ताक्षर। इस प्रकार से अप्लाई करने का जो तरीका यहाँ पे सारा चीज आपको बताया गया है। और नीचे में आइएगा तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्म एक लगता है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया डाउनलोड कंसेंट फॉर्म, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसका स्टेटस चेक करने के लिए दिया गया SSPIMS का और यहाँ पे लाभार्थी का। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा तो क्लिक हियर लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस वेबसाइट पर आप आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको लिखा गया है रजिस्टर फॉर MVPY, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस फॉर्म को भरने से पहले आपको जो कि डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो यहाँ पे आपको लिखा गया है डाउनलोड आधार कॉन्स्टेंट फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक PDF आपको मिल जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। यह जो कि ये फॉर्म यहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से कई सारे जो कि ब्लॉक है वहाँ पे जमा करना पड़ता है और कई सारे ब्लॉक में जमा नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये जो कि नीचे में आइएगा एक सहमति फॉर्म है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखिएगा नीचे में आपको 1 है, तो 1 जो कि बिल्कुल नॉर्मल है भरने के लिए। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपको आधार संख्या लिख लेना है और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिख लेना है और उस कैंडिडेट का यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे अपना तिथि लिखेगा, नाम लिखेगा और यहाँ पे पता और पहचानकर्ता जिस प्रकार होगा, कोई भी साइबर कैफे वाला भी बन सकता है, उसका आस पड़ोस का कोई भी आदमी बन सकता है, जहाँ पे अपना हस्ताक्षर लिखेगा, नाम लिखेगा और अपना पता लिखेगा। सहमति 2 में आपको भरना होगा, जिस भी बैंक में आपको पैसा चाहिए उनका IFSC कोड के साथ उनको पासबुक भी स्कैन करके अपलोड करना है, तो उसी बैंक ब्रांच से मिलकर यहाँ पे उनको सिग्नेचर कराना होगा। तो यही जो डॉक्यूमेंट है तो अपने बैंक संबंधी जो उनके पास पासबुक है उसका डिटेल्स भरना है, उनके पास कौन से बैंक का पासबुक है, जिस बैंक में वो पैसा लेना चाहते हैं तो उस बैंक का जो कि आपको शाखा का इसमें नाम लिखना है, कौन सा ब्रांच है, कहाँ पे है, उसका डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। CSP का हो तब उनको जो कि हेड ब्रांच का ही लिखना होगा, इसमें CSP का डिटेल्स आपको नहीं भरा जाता है। उसके बाद एक तिथि आपको लिख लेना है कि फॉर्म जो कि कब उस जो कि CSP को देते हैं साइन कराने के लिए या जो कि हेड ब्रांच में कब देते हैं साइन कराने के लिए। उसके बाद शाखा का नाम लिखना है, जो हेड ब्रांच होगा वो आपको कहां पे है उसका नाम लिखिए। खाता संख्या आपको यहां पे लिख लेना है, यहां पे आधार कार्ड का नंबर आपको दे देना है, आधार कार्ड पर जो नाम होगा आपको यहां पे लिख लेना है। उसके बाद उसी कैंडिडेट का आपको यहां पे जो कि नाम आपको जिस प्रकार सिग्नेचर करेगा आदमी वो सिग्नेचर नाम लिखे या अपना जो अंगूठा का निशान लगाए यहां पे आपको कराना है, उसका नाम लिखना है और एक मोबाइल नंबर लिख लेना है। और यहां पे देखिए बैंक जो कि प्रयोग होती है आपको लिखा गया है तो आपको बैंक को भरना होगा, लेकिन आप चाहें तो उस कैंडिडेट का नाम लिख सकते हैं, उनका जो कि बैंक का नाम लिखिएगा, शाखा लिख लीजिएगा, खाता संख्या यहां पे और आधार संख्या यहां पे और मोबाइल संख्या आपको यहां पे लिख लेना है और तिथि जिस पर आधार कार्ड लिख लेना है। यही कागजात अपने बैंक को दे देना है, बैंक जो क्या करेंगे अपना जो कि इनका अकाउंट को NPCI चेक करेंगे और NPCI चेक करके अगर होगा तो यहाँ पे साइन मोहर करके वो अपना दे देंगे और यहाँ पे इस प्रकार से उसको लेकर आ जाना है। ये जो कि आपको सहमति पत्र 2 है और यहाँ पे एक सहमति पत्र 1 है। जैसे इस फॉर्म को आप भर लीजिएगा और भरने के बाद इसको स्कैन कर लेना है एक ही जो कि आपको PDF में मल्टीपल, जैसे आपको सहमति 2 को आप ऊपर रखिएगा और सहमति 1 को आपको नीचे रखना होगा। उसके बाद इस फॉर्म को आपको भरना होगा,
तो फिर से इस वेबसाइट पर आइएगा। जिस जिले का आप निवासी हैं, जिला अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसी जिले में आपको ब्लॉक होगा जिस प्रकार आपका, तो यहाँ पे ब्लॉक अपना सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना ईपिक नंबर लिखिएगा, जो आपके पास इलेक्शन कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा, मतदाता प्रमाण पत्र होगा, तो यहाँ पे आपको उसका नंबर लिख लेना है, ईपिक नंबर। उसके बाद जिनका नाम होगा जिस प्रकार से ईपिक में वोटर कार्ड में, वो अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का संख्या आपको लिख लेना है और आधार कार्ड में जो नाम होगा उसको यहाँ पे लिख लेना है। याद रहे कि आपको वोटर कार्ड में जो नाम होगा और आधार कार्ड में नाम होगा, बहुत जगहों पर आपको ऑपरेटर साहब जो होते हैं ब्लॉक में बोलते हैं सेम होगा तो हम रिसीव करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कोई इसका मेन रोटी नहीं है। थोड़ा बहुत नाम का मिस्टेक भी होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाटा आपको आधार कार्ड पर होगा सही सही वही आपको डाटा फिलअप करना होगा, काहे कि यही जो कि ये डाटा आपको आधार से ऑथेंटिकेट करके आगे आपको प्रोसीड होगा। तो यहाँ पे जो आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा, यही डेट ऑफ बर्थ आपको उसमें मेंशन करके इसी से काउंट आपको किया जाएगा कि आपका उम्र जो कि 60 से ऊपर है तभी आपको अप्लाई होगा, 60 से नीचे होगा आपका उम्र तो अप्लाई नहीं होगा। तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे कैलेंडर, उसके बाद अपना जिस प्रकार होगा ईयर, उसके बाद इसमें मंथ और उसके बाद अपना डे इसमें सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट आधार सत्यापित पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड लिखा गया है, प्रक्रिया शुरू करें, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपका आधार वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा तभी आपको यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन खुलेगा। अगर आपको किसी प्रकार से कोई त्रुटि होगा तो आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड का बटन नहीं खुलेगा। तो उसके लिए अपने आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स, ई आधार कार्ड को डाउनलोड करिएगा, जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर 0 का OTP जाएगा तब आपको सही तरीका से पता चल जाएगा कि इनका आधार में नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल क्या है, तब आपको आसानी होगा इसमें आवेदन करने के लिए। चलिए इनका डाटा सब कुछ सही है, आधार जो कि सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया है, प्रोसीड प्रक्रिया इसमें लिखा गया, इस पर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद से इनका जो कि पिताजी का नाम जिस प्रकार होगा यहाँ पे आपको लिख लेना है, इनका माताजी का नाम लिख लेना है। उसके बाद इसमें जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कैटेगरी जिस प्रकार होगा कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर लिखिएगा, पेंशन संबंधित कोई भी आपको सूचना होगा मोबाइल पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो कि KYC नहीं हुआ है या इस प्रकार से प्रॉब्लम है, तो मोबाइल नंबर आप सही लिखिएगा। अपना जो कि एरिया क्षेत्र आपको इसमें सिलेक्ट करना है, तो रूरल या अर्बन, रूरल का मतलब होता है गांव देहात एरिया, अर्बन मतलब शहरी, तो हम गांव देहात एरिया से हैं तो इसमें मैं रूरल करता हूँ। यहाँ पे जो कि पंचायत जिस प्रकार है तो पंचायत आपको इसमें सिलेक्ट करना है, गांव का नाम जिस प्रकार होगा गांव इसमें आ जाएगा, वार्ड जो कि आपको शो नहीं करता है कभी भी तो वार्ड यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा। पता जिस प्रकार होगा पूरा गांव का नाम, ब्लॉक, PS जिस प्रकार होगा सारा डिटेल्स यहाँ पे भर लीजिएगा, पिन यहाँ पे भर लीजिएगा और यहाँ पे अपना पिन कोड भर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो किस बैंक में आपको पैसा चाहिए, जिस बैंक से आप सहमति 2 वाले पेज पर साइन कराए हैं उस बैंक को आपको इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपका IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपको इसमें सिलेक्ट करने का। अगर मैं दूसरा बैंक करता तो बहुत सारा जो कि IFSC कोड यहाँ पे देखने को आता और उस प्रकार आपको सिलेक्ट करना पड़ता, यहाँ पे केवल ऑटोमेटिक एक ही जो कि इनका IFSC कोड होता है इसलिए ज्यादा यहाँ पे नहीं आया। उसका ब्रांच का शाखा का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको अकाउंट का लेंथ कितना है ऑटोमेटिक आपको इसमें फर्ज करेगा, और आपको इसमें काउंट कर लेना है कि अकाउंट जो कि हमारे कितना डिजिट का है, काउंट करके देख लेना है जितना डिजिट का होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। ज्यादातर यही होगा जो ऑटोमेटिक लेगा यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन अपने अनुसार से देख लीजिएगा जो होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद जो खाता संख्या है यहाँ पे लिख लीजिएगा, उनका देखिए खाता में क्या नाम है उनका नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, और इस बात को ध्यान रहे जो नाम आपके आधार कार्ड पर है वही नाम आपको बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। अगर नाम में थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आपको PF में चेक होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिस प्रकार से एक DBT का सर्वर होता है तो वहीं से आपको रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप हो सके तो जो आपको आधार कार्ड में नाम होगा वही अपने बैंक अकाउंट में भी नाम होगा तभी आवेदन करिएगा, नहीं तो आप 90% उम्मीद रखिएगा कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा PFMS यानी बैंक के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे आधार डॉक्यूमेंट जिस प्रकार होगा जो आपको 200 KB में होना चाहिए PDF के तौर पे आपको स्कैन कर लेना है, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 200 KB में कम करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद बैंक का पासबुक भी आपको PDF में 200 KB से कम होना चाहिए। आधार कॉन्स्टेंट फॉर्म जो आपका सहमति है इसी में आपको प्रॉब्लम होगा, काहे कि इसमें 2 पेज है और क्वालिटी भी सही से दिखना चाहिए, तो यहाँ पे चूज फाइल करके आइएगा, 200 KB में से आपका कमी होना चाहिए।
अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, क्लिक करके आ जाएगा, सिलेक्ट फाइल करिएगा, उसके बाद जिस प्रकार से होगा सारा इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये आपको जिस प्रकार दिया गया है DPI सेट करने के लिए, क्वालिटी इमेज जिस प्रकार करिएगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं इससे कम बेस कर आप जो कि 200 KB से कम अपना कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद एक फोटो आपके पास होना चाहिए, फोटो का साइज आपको 30 से 50 के बीच में ही होना चाहिए, तभी आपको सही सलामत से अपलोड होगा। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड होगा, आपको यहाँ पे चूज फाइल करके ला लीजिएगा, ये भी आपको 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एग्री बटन है, इस पर टिक करिए और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। सब कुछ डाटा सही होता है तो आप जो कि चाहते हैं कि जो कि हम डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड किए हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया आधार डॉक्यूमेंट व्यू पर, जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपका जो कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेगा, यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो सही तरीका से अपलोड हुआ है कि नहीं। डॉक्यूमेंट में नाम पता भी आपको सही तरीका से दिखना चाहिए, तभी वहां पे वेरीफाई करते वक्त एक्सेप्ट होगा अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आवेदन संबंधित किसी प्रकार से आपका रिजेक्ट होता है तो भैया आप जो कि दोबारा इसको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक बार आवेदन रिजेक्ट हो गया तो सारा काम आपको ब्लॉक के माध्यम से उनके आईडी पासवर्ड से ही होगा। तो अपना जिस लेवल में होगा डाटा सही से फिलअप करिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया सबमिट बटन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा गया है डायरेक्ट प्रिंट रिसीप्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है इसी को आपको जो कि हो सकेगा तो ब्लॉक में जमा करना होगा। सारे ब्लॉक को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको कुछ ऐसे ब्लॉक है जहाँ पे आपको जमा करना होता है। मेरे हिसाब से जमा जरूर कर दीजिएगा, आपके ब्लॉक में जमा हो या ना हो, काहे कि एक बार जब आवेदन आपका रिजेक्ट होगा तो आप ऑनलाइन के माध्यम से खुद से कुछ नहीं कर सकते, सारा जो कि आपको ब्लॉक के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे देखिए एक जो कि ये प्रति कॉपी आपको देना होगा, दूसरा जो कि आपको मैं दिखाया था यहाँ पे जब आप आवेदन करने गए थे तो डाउनलोड आधार कॉन्स्टेंट फॉर्म था, इस पर क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड करना था, इस पर डबल क्लिक करिएगा। यहाँ पे भी एक आपको दिया गया है मुख्यमंत्री विजन पेंशन योजना, जिस प्रकार से आप डाटा फिलअप किए थे वही चीज आपको भरना होगा। यहाँ पे पहले फोटो लगा लीजिएगा, उसके बाद आवेदक का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका लिंक सेलेक्ट करिएगा, गाँव पता जिस प्रकार होगा यहाँ पे, इस पर पंचायत कौन सा है, उनका थाना कौन सा है, जिला कौन सा है, प्रखंड, डाकघर, अनुमंडल और पिन कोड, इस सारा चीज आपको भर लेना है। उनका जाति कौन सा है, जाति आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो जाति से होंगे, आधार कार्ड संख्या आपको इसमें लिख लेना है, मोबाइल नंबर आपको लिख लेना है, ईमेल आईडी नहीं लिखेगा तो अभी चलेगा, एक पहचान चिन्ह उनका लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखेगा तो अभी चलेगा। उसके बाद खाता संख्या लिखिएगा, शाखा जिस प्रकार होगा शाखा यहाँ पे लिखिएगा, IFSC कोड और आपको शाखा कोड, शाखा कोड में यही होता है जो IFSC कोड आप लिखते हैं उसका लास्ट का जो कि 5 डिजिट आपको लिखना होता है वही शाखा कोड होता है। साथ में आपको यहाँ पे फिर से दोबारा से कैंडिडेट का नाम हो जाएगा और यहाँ पे अपना जिला का नाम और यहाँ पे कैंडिडेट जो कि अपना साइन करेगा जिस प्रकार से इसमें अंगूठा का निशान लगाएगा और यहाँ पे तिथि लिखेगा। और इस प्रकार से ये फॉर्म जब भर लीजिएगा तो भी आपको सहमति पत्र था जो मैं आपको पहले बता दिया था जिसका आप अपलोड किए थे, सहमति 2 और यहाँ पे सहमति 1, टोटल कागजात आपको 2 पेज ये हो गया और 1 पेज आपको ये वाला हो गया और तीसरा आपको जिस प्रकार जो रिसीविंग निकला था वो हो गया। और बाकी जो डॉक्यूमेंट था जैसे आधार कार्ड, हाफ फोटो यहाँ पे चिपका लीजिएगा, वोटर कार्ड, बैंक का पासबुक और जिस प्रकार से होगा सारे डॉक्यूमेंट को एक जो कि प्रति कॉपी में इसको पिनअप करके अपने ब्लॉक स्तर पर जमा करिएगा। काहे कि आवेदन जो कि है ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है बहुत सारे ब्लॉक में और जहाँ पे आपको ब्लॉक में पता करेगा अगर डॉक्यूमेंट जमा करना भी होता है तो जमा कर दीजिएगा, नहीं तो एक बार आवेदन रिजेक्ट होगा तो भैया आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आपको भविष्य में किसी भी आदमी का आप जो कि है अकाउंट नंबर चेंज करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से तो भैया ये आपको चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट जो कि हमारे मेल से बात करिएगा, कुछ उसका पैसा लगेगा तो डायरेक्ट हम DBT से उनका जो कि अकाउंट चेंज करा देंगे। किसी भी पेंशनर का हो, 5 तरीके का सरकार जो पेंशन देती है, विकलांग, विधवा, वृद्धजन, जो कुछ होगा आपको डायरेक्टली वहां से अकाउंट चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप ऑनलाइन से आवेदन दे देते हैं तो जो आपका रिसीविंग निकला हुआ है वो और जो अपने फॉर्म को इसमें भरा हुआ है और साथ में जितना भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया हुआ है जैसे सहमति पत्र, वोटर कार्ड, हाफ फोटो, बैंक का पासबुक और आधार कार्ड, ये चीज़ अपने ले जाकर ब्लॉक में जमा करना होता है। सभी ब्लॉक का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे जो कि ब्लॉक हैं वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको ये कागजात को मांगा जाता है और वहाँ से वेरीफाई करके आपको अगले स्तर तक आपको बढ़ाया जाता है।
लेकिन बहुत सारे ऐसे ही ब्लॉक हैं कि बोला आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, निफिक्र हो जाइए, उसको कहीं पर डॉक्यूमेंट जमा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होता है। और यहाँ पे जब आपका सारा प्रोसीजर जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको स्टेटस जो चेक करने का प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी लिखा गया है सर्च एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप ऑफिशियल साइट पर आ जाइएगा और यहाँ आने के बाद लिखा गया है बेनिफिशियरी स्टेटस, तो फर्स्ट में आपको यहाँ से चेक होगा, दूसरा में आपकी लाभार्थी से। तो यहाँ पर देखिए सर्च लिखा गया बेनिफिशियरी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपका जिस प्रकार होगा जिला आपको सिलेक्ट करना है, जिस जिला से आप आवेदन दिए थे और उस जिले में जो आपका ब्लॉक होगा ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च ऑप्शन में जो आपके पास डाटा होगा उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डाटा चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे आसान है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो कुछ होगा डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पर डालकर सर्च पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ओके आ जाएगा, इस पर आपको ओके कर लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पे वेरीफाई बाई पंचायत पेंडिंग बाई बीडीओ, यानी जिस प्रकार से इनका आवेदन हुआ है ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। यहाँ पे जब तक आपका सक्शन का डेट नहीं आता है, यहाँ पे सक्शन लिख के नहीं आता है सक्शन नंबर यहाँ पे, या सक्शन केवल लिख के आ जाएगा तो समझ लीजिएगा आपका जो कि फर्स्ट चरण कम्प्लीट हो गया है, यानी वीडियो लॉग इन द्वारा उनका जो डाटा को वेरीफाई किया गया है। दूसरे आदमी को मैं चेक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए इनका जो सक्शन हो गया है और यहाँ पे रिमार्क में ओके है और इस प्रकार डेट तारीख को अब इनका सक्शन हुआ था। सक्शन जो कि नंबर आपको होगा, जो आपका बेनिफिशियरी आईडी होगा वही आपको सक्शन आईडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सक्शन लिखते हैं तो समझ लीजिए कि इनका जो कि डाटा फर्स्ट चरण वाला वेरीफाई हो गया है। तब आपको यहाँ पे दूसरे चरण के लिए आपको जब चेक करना होगा तो फिर से बेनिफिशियरी स्टेटस के लिए आपको यहाँ पे लाभार्थी का आना चाहिए लिंक, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है यहाँ पे आपको बैक आ जाना है और फिर से देखिएगा यहाँ पे लाभार्थी आ जाएगा स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। या जो कि डायरेक्ट आप गूगल में भी चाहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा ई लाभार्थी, तो अभी जो कि आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन और यहाँ पे क्या करिएगा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट वाला जिस प्रकार होगा इस पर क्लिक करिएगा तो आपको जो कि यहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको पेमेंट रिपोर्ट में आइएगा, अब पेमेंट में देखिए चेक बेनिफिशियरी स्टेटस पर आपको क्लिक करेगा पेमेंट वाला। अब जो कि ये वाला पेज और ये वाला पेज दोनों देखिएगा आपको सेम टू सेम है, कोई आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। तो कोई सा जो आपका पेज होगा यहाँ पे आप आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट होगा लेटेस्ट अपना सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर डालकर सर्च पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज चेक बेनिफिशियरी स्टेटस रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आया है, काहे कि इस जो कि पोर्टल पर आने में तकरीबन 2 महीने का टाइम लगता है, 1.5 महीने का। जब यहाँ पे आ जाएगा तो रिकॉर्ड जो कि सारा आप देख सकते हैं, जैसे लिखेगा कि ब्लॉक स्तर पर लंबित है, जिला स्तर पर लंबित है, इस प्रकार से बिहार राज्य स्तर पर लंबित है, सारा जो कि लिख कर आएगा। तो इस जो कि पोर्टल पर आने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगता है। और जो किस वेबसाइट पर यहाँ पे सक्शन मैंने दिखाया था तो यहाँ पे जब अब आइएगा तो यहाँ पे तकरीबन वीडियो लॉग इन जॉब एक्सेप्ट हो जाए, आज हो जाए, 10 दिन का बाद हो जाए, 15 दिन का बाद हो जाए, तो यहाँ पे आपको सक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, आपको सक्शन होने के 2-3 दिन के बाद आपको ई लाभार्थी का जो पोर्टल है यहाँ पे आपको आ जाएगा। चलिए दूसरा आदमी का मैं चेक करके दिखाता हूँ जब आप एक्सेप्ट हो जाएगा तो कैसे दिखाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से उस पेंशनर का पूरा नाम आ जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो आपको भुगतान का प्रकार आ जाएगा, अकाउंट बेस्ड भुगतान की स्थिति में सक्सेस 400 रुपए का आ रहा है और यहाँ पे किस जो योजना से पैसा आ रहा है और यहाँ पे भुगतान किया जा चुका है लिख रहा है, लाभार्थी का जो जीवन प्रमाणीकरण भी हो गया है, ये कब हुआ है, सारा जो की चीज आपको यहाँ पे देखने को आ जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल जो समय लगेगा आपको पेंशन पास होने तक तकरीबन 3 से 4 महीना में आपको जो खाता में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और किसी कारणवश आपका आवेदन रिजेक्ट होता है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो की रिजेक्ट होगा जहाँ पे आप सक्शन के जगह लिख के आ जाएगा रिजेक्टेड बाई वीडियो लॉग इन या जो कुछ होगा डॉक्यूमेंट त्रुटि सबसे पहले यहाँ पे। और जो किस जो की पोर्टल पर आपका रिजेक्ट होगा तो डायरेक्ट बता देगा कि बैंक के त्रुटि से होगा, जो आपको पीएफएमएस से रिजेक्ट होता है जहां पे आपका आधार कार्ड का नाम बैंक अकाउंट का नाम कुछ अलग होता है। तो उस कंडीशन में आपका जो कि ब्लॉक स्तर से मिलकर या जो कि हमारे मेल द्वारा बात करके उसका जो कि अलग जो कि एक पैसा लगेगा, जो कि हम जो कि बिहार के किसी भी स्थान से आदमी हो बिहार में जो कि उनको पेंशन मिलता होगा तो मैं डायरेक्ट जो कि है डीबीटी से उनका जो कि अकाउंट में चेंज करा दे सकता हूं। कोई भी आपको जो कि योजना से पैसा आपको दिया जाता होगा 5 तरीके का पेंशन में, तो भाई आप कोशिश करिएगा कि सारा चीज अपने खुद
खुद ब खुद करिएगा पूरा, जो कि अकाउंट संबंधित कोई आपका बुद्धि काम नहीं करेगा, तब आप हमें मेल कर सकते हैं, वहां से कुछ आपको पैसा लगेगा जिसके मदद से हम आपका अकाउंट जो होगा डायरेक्ट चेंज करा देंगे। तो इस प्रकार से जब अपने स्टेटस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सक्शन आपको जब आ जाता है तो समझ लीजिए को जो SSPAMS जहाँ पे अपने ऑनलाइन आवेदन दिया हुआ है, अब आपको ई लाभार्थी के पोर्टल पर डाटा आपको ट्रांसफर हो गया है। यानी एक जो कि चरण में SSPAMS पर वेरिफिकेशन होता है, यहीं से जो कि वीडियो लॉगिन जिस प्रकार से ऑपरेटर साहब चलाते हैं, अगर एक्सेप्ट कर लिए, सक्शन आपका हो गया, तो समझ लीजिए अब आपका आवेदन केवल बैंक संबंधित के द्वारा ही रिजेक्ट होगा। अगर आपको खाता नंबर गलत डाल दिए या आपका जो कि नाम अलग है आधार कार्ड में, बैंक अकाउंट में नाम अलग है, लेकिन आपको पता है कि मेरा सब कुछ सही है, तो थोड़ा दिन और रुकिए, तकरीबन 1 से 1.5 महीना PFMS द्वारा आपका वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद भुगतान वहाँ पे कभी भी चेक कीजिएगा तो आपको किया हुआ बताएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेंशनधारी हैं जिनका ऑनलाइन आवेदन हो गया या ब्लॉक स्तर से भी अगले स्तर का पेंशन का अप्लाई किए हुए हैं, तो उनका जो कि जिला स्तर पर लंबित है, राज्य स्तरीय पर लंबित है, तो भैया उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ त्रुटि है, इसी के चलते ज़्यादा दिन तक वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन अगर पेंशन का जो बात है सही तरीके से समय के अनुसार बात किया जाए तो 3 महीना आपके लिए काफ़ी है। तो इस प्रकार से आपको केवल ऑनलाइन करने का प्रक्रिया एक ही होता है, SSPAMS की वेबसाइट से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के लिए ही आवेदन आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो 4 तरीके का पेंशन जैसे बचता है, विकलांग पेंशन, लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, एक और पेंशन है, उसके लिए आपको जिस प्रकार होगा ब्लॉक में विजिट करना पड़ता है, उसके लिए आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। विधवा पेंशन के लिए जो 60,000 से कम का होता है उनका एक अलग रूल होता है, और आपको RTPS काउंटर पर जाकर आपको जमा करना पड़ता है, वहीं से आपको ऑनलाइन होता है। लेकिन यही एक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन जिनका उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है, ऑनलाइन के माध्यम से खुद से जो कि आवेदन देकर घर बैठे अपने जो कि पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यही था पूरा प्रक्रिया जो बताने के बिल्कुल कोशिश किया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसी प्रकार से मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं हूँ राज शर्मा, फिर मिलता हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।